वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन वी स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 25 दिसंबर 2020 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम एनआईटी के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस स्टॉक में किस तरीके के प्राइस एक्शन आते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ जानेंगे इमीडिएट डिमांड जोन को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एनआईटी का मंथली चार्ट है और अगर हम इस मंथली चार्ट को देखें तो स्टॉक एक अच्छे खासे बुलिश अप ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इन मंथली कैंडल्स को देखेंगे, प्रीवियस मंथली थ्री कैंडल्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा जो बाइंग इंटरेस्ट है हमें वो मंथ बाय मंथ इंक्रीजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे मैंने इस मंथली चार्ट पे एक येलो कलर का हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया है जो कि 116-117 के आसपास है और आप इस मंथली चार्ट पे देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है एक साइडवेज ट्रेड कर रहा था, एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहा था लगभग 2016 से और ये ब्रेकआउट हुआ है जुलाई 2020 में। इस ब्रेकआउट के बाद हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है 116 से 204 मंथ के लगभग, अभी तो ये जो अभी हम जिस कैंडल की बात कर रही है इन द मेकिंग प्रोसेस में, अभी हमारे ये जो मंथ है दिसंबर का एक कंप्लीट नहीं हुआ है, 116 से लेके स्टॉक ने 200 तक यानी अच्छा खासा यहाँ पर 90% का जो है वो अप दे दिया है। अगर हम इस ब्रेकआउट पे ऑन मंथली चार्ट पे स्टॉक को यहाँ पर बाय कर लेते तो एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें प्रॉफिट पोटेंशियल होते हुए दिखाई देता। अब चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स वीकली चार्ट पे। जैसे कि हमने देखा मंथली ट्रेंड अप है और इस स्टॉक का अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट भी एक अच्छा खासा अपसाइड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीकली चार्ट पे अगर करेक्शन के कैंडल्स देखेंगे तो एक अपसाइड साइडवेज ट्रेडिंग के करेक्शन के कैंडल्स दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने एक स्विंग बनाया वो भी अपसाइड, यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी लेकिन उसके बाद भी स्टॉक ने ऑन वीकली चार्ट पे एक अपसाइड ही ट्रेड किया। अगर हम इस वीक के कैंडल को देखेंगे जो अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जहां तक हम देख पा रहे हैं कि प्रीवियस जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुआ था उससे अच्छा वॉल्यूम्स के साथ में ये अपसाइड स्टॉक ने क्लोजिंग दी है तो इसके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल बाकी है और स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 225 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं 200 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है तो क्या वो डिमांड जोन होगी, क्या सपोर्ट प्राइस होगी, उसे देखने के लिए चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे ये एनआईटी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट पे स्टॉक ने 197 के एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया था। उसके बाद हमने देखा कि ऑन डेली चार्ट पे इसने यहाँ पर बेस बिल्डिंग साइडवेज ट्रेडिंग की और यहाँ एक ब्रेकआउट दिया 185 का। स्टॉक का जो प्राइस है वो गैप अप ओपन हुआ 190 और जैसे कि हम देख पा रहे यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर हमें 225 के टारगेट, फर्स्ट टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड यानी 7 to 10 डेज के ट्रेडिंग सेशन के लिए स्टॉक में पोजिशनल एंट्री लेना है तो हमें वेट करना चाहिए। स्टॉक का प्राइस अगर किसी भी कारणवश इस प्राइस पे आता है 186-187 के पास तो हम यहाँ पर 175 के स्टॉप लॉस के साथ में यानी 10 रुपीस के स्टॉप लॉस के साथ में एक इस स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 225 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 230 का। तो ये था एनआईटी का टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।